बालाजी प्लीज अब बोलिए। माननीय उपसभापति जी, बड़े दुख के साथ ये कहना पड़ता है कि अभी कुछ दिन पहले तो जम्मू कश्मीर के पुंछ सेक्टर में हमारे देश की सीमा पार करके तो पाकिस्तानी सैनियों ने हमारे भारतीय सैनियों की उन्होंने हत्या की। उसमें जो एक सैनिक हमारा सैनिक जो हमारा जख्मी हो गया था उसकी भी मृत्यु हो गई है। इसका हमारी पार्टी को काफ़ी दुख है, खेद है। लेकिन इसके साथ साथ तो हमारी पार्टी ये सोचकर चल रही थी कि J&K में जो कुछ हो रहा है ख़ास तौर से सीमा पार से, तो वहाँ की स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट काफ़ी सतर्क हो जाएगी और हर प्रकार की सावधानी बरतते हुए तो वहाँ पर लॉ एंड ऑर्डर को भी ध्यान में रखकर चलेगी, खराब ना हो, और जो हमारी सीमाएं हैं उनको भी सुरक्षित रखेगी। लेकिन दुख के साथ कहना पड़ता है कि 9 तारीख को खास तौर से किश्तवाड़ में तो जिस तरीके से हिंसा हुई है, तो उसके मैं डिटेल में नहीं जाना चाहती, लेकिन किश्तवाड़ में तो वहाँ पर बड़े पैमाने पर हिंसा हुई और एक विशेष वर्ग के समुदाय के लोगों की दुकानें उनको जख्मी किया गया, उनको मारा गया, पीटा गया। उसमें काफ़ी लोग बुरी तरीके से जख्मी हुए, कुछ लोग मारे भी गए। और उस हिंसा के अंदर 9 तारीख को जो हिंसा हुई, तो हमारी पार्टी का किश्तवाड़ का जो जिले का जो प्रेसिडेंट है उसका लड़का भी उसमें मारा गया। और उसको जब छोड़ा गया, जब उनको तसल्ली होगी जो हिंसा वहाँ पर कर रहे थे कि अब ये मर गया तब छोड़ना चाहिए, तो मुझे जो रिपोर्ट मिली है वहाँ के हमारे यूनिट से कि लगभग 17 गोलियाँ उसके ऊपर दागी गई, 17 गोलियाँ उसके ऊपर दागी गई हैं। जब वो जो हिंसक जो एलिमेंट्स है, जब उनको तसल्ली होगी कि ये मर गया है, तो तब उसको वो छोड़कर गए। ये बड़े दुख की बात है। और उसके बाद इससे भी ज़्यादा दुख की बात ये है कि जम्मू कश्मीर के जो स्टेट गवर्नमेंट है वहाँ का जो गृह राज्य मंत्री, तो वो किश्तवाड़ में जिस दिन ये घटना घटी वहाँ पे वो रुका हुआ था। उसकी जिम्मेवारी बनती थी कि लॉ एंड ऑर्डर खराब हो रहा है, तो किश्तवाड़ में उनको खास तौर से ध्यान देना चाहिए था। वहाँ सब कुछ आगजनी होती रही, लूटमार होती रही, वहाँ पर हिंसा होती रही, लोगों को जख्मी किया गया, लेकिन वहाँ का जो गृह राज्य मंत्री है तो वो बाहर नहीं निकल कर आया। उन्होंने वो चाहते तो वहाँ पर लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति को वो कंट्रोल में कर सकते थे, लेकिन लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति को कंट्रोल में नहीं किया गया, जिसकी वजह से तो लगातार वहाँ पर हिंसा आसपास फैलने लगी। और आज भी वहाँ पर 7-8 जिलों के अंदर कर्फ्यू लगा हुआ है। तो लेकिन 9 से लेकर 9 कई दिन तक वहाँ पर हालत बड़े खराब रहे और वहाँ की स्टेट गवर्नमेंट सोई रही। और जब लगा कि आज पार्लियामेंट सत्र शुरू होने वाला है, तो आज सुबह मालूम हुआ कि वहाँ पर इस हिंसा की न्यायिक जांच के आदेश दे दिए गए हैं। इस न्यायिक जांच से हमारी पार्टी बिल्कुल सहमत नहीं है। इस मामले की उच्च स्तरीय जाँच होनी चाहिए और सेंट्रल गवर्नमेंट को इसमें दखल देना चाहिए। और खास तौर से जो गृह राज्य मंत्री जो वहाँ पर साइलेंट रहे और सब कुछ देखते रहे, उनके खिलाफ FIR दर्ज होनी चाहिए, उनको जेल के अंदर भेजना चाहिए। और यदि उनके खिलाफ FIR दर्ज नहीं होती है और सेंट्रल गवर्नमेंट साइलेंट रहती है, स्टेट गवर्नमेंट साइलेंट रहती है, तो बेहतर ये होगा कि जम्मू कश्मीर की गवर्नमेंट को बर्खास्त करके वहाँ पे प्रेसिडेंट क्यों लगना चाहिए। और इसके साथ साथ ही नहीं, वहाँ पर हिंसा जो आगे बढ़ती जा रही है और एक खोखी भावना, और ये खास तौर से ये जांच का भी विषय है, सेंट्रल गवर्नमेंट को दखल देने की जरूरत है। जो देश विरोधी तत्व है, असामाजिक तत्व है, तत्व है, समाप्त कीजिए। खुफिया विभाग को विशेष नजर रखनी चाहिए जो इस किस्म के
माफ कीजिए जो इस तरीके का वातावरण पैदा कर रहे हैं, आज जेएनके के अंदर कर रहे हैं, कल को देश के अन्य राज्यों में करेंगे। की बात है, जांच का विषय गवर्नमेंट में दखल देकर उच्च स्तरीय जांच कराकर जो भी एलिमेंट्स इसमें दोषियों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए और स्टेट गवर्नमेंट को भी यहाँ पर जवाब तलब करना चाहिए। इन्हीं लक्ष्यों के साथ समाप्त करती हूँ, धन्यवाद।